फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं लद्दाख की। यूं तो देश के कई हिस्से हैं जो कोरोना से बेहद प्रभावित हैं, लेकिन बटालिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हालात ये हो चले हैं कि महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे कोरोना का बढ़ता ग्राफ जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन यहाँ हद ये हो गई है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई स्वास्थ्य कर्मी तक नजर नहीं आता है। फिलहाल लद्दाख से हमारे संवाददाता मोहम्मद इसाक की रिपोर्ट देखिए। गुलिस्तान न्यूज की टीम इस वक्त बटालिक सेक्टर में पहुंची है। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू टाइप पीएचसी बटालिक में। मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल सेंटर्स में फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आपके न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है? सर, सबसे पहले तो ये जो हमारा पीएचसी है, इधर एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट या फीमेल नर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लेडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक मेल डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकते। एक लॉजिक है, ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। कोई भी रिलीजन ये नहीं कह सकता है कि वो जाके एक मेल डॉक्टर के साथ एक फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो जाके दिखाए। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि बार बार हमारे सीसी साहब को, हमारे यहाँ के पंच और पूरे इलाके के लोगों ने कहा है कि यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप नहीं दे सकते तो एटलीस्ट एक नर्स तो प्रोवाइड करें। जैसे आपने देखा कि शारजे में एक हमारी बहन थी, एक वो हामिला थी, उसको वहाँ से जब लोगों ने कंधे पे उठा के लाया तो बीच रास्ते में जो हमारा एक रेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पे उसकी डिलीवरी हो गई। कितना पेनफुल चीज़ है ये, और उसको वहाँ से कंधे पे उठा के यहाँ तक लाना पड़ा, और बदकिस्मती से यहाँ पे एक फीमेल नर्स ना होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ फीमेल नर्स, उसको यहाँ से 60 किलोमीटर वहाँ करगिल हेडक्वार्टर जो वहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ लेना पड़ा। अल्लाह ने हमें बचाया कि उस जो हमारी बहन है उसकी डेथ भी हो सकती थी रास्ते में, लेकिन अल्लाह की करम से उसको कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं जो रास्ते में ही गुजरे हैं, पर कोई इशू फिलहाल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है क्लियर, लेकिन ये इशू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक ह्यूमैनिटी, दिस इज़ एन इशू ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं इतना कहूँ। जनाब, ये MP साहब जब यहाँ तशरीफ लाया था उस वक्त मैं खुद ने उनके हाथ को थाम कर उससे रिक्वेस्ट किया था कि आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे तो हमें ज़रूर ये दा जो पावर हाउस से हमें लाइट दे देंगे, लेकिन अभी तक गरकुंड तक पहुंचा, वहां से आगे नहीं बढ़ सका, तो ये लाइट को ये है। और यहां जो गवर्नर साहब और MP साहब की कोशिशों की वजह से ये जो जनरेटर डीजल जनरेटर से लाइट मिलता है वो 8 घंटा बताया गया था, लेकिन अभी मुश्किल से 5.5 या 6 घंटा मिल रहा है। अगर हम बात करें इन दिनों एक तरफ से कोरोना वायरस की महामारी है, दूसरी जानब मेडिकल फील्ड में फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आप ये जो न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का मानना है यहाँ पे हालांकि डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर के पास वो सारे फैसिलिटीज नहीं है जो बेसिक फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक चीज और, एक अहम चीज है, यहाँ पे नर्स और गायनेकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत मुश्किलात देखने को पड़ता है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले यहाँ पे फैसिलिटी ना होने की वजह से इस इलाके के लोगों का, अगर हम शर्से की बात करें, शर्से इलाके से एक जो फीमेल, उनकी डिलीवरी रास्ते में ही हुई है और यहाँ पे फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको यहाँ से शिफ्ट करके लंबा सफर दे करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का लेना पड़ा। मनरेगा गुलिस्तान के साथ बतालिक से जी इंदुर के साथ मोहम्मद साहब। और अब बात करते हैं उधमपुर प्रशासन के।